गुड मॉर्निंग हरे कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मैथ्स की क्लास में फुल और एम्प्टी लर्न करेंगे। आपको यहाँ पे दो ग्लास के इमेजेस दिख रहे हैं, एक ग्लास पूरा भरा हुआ है तो वो फुल है और दूसरा ग्लास पूरा खाली है तो उसे हम एम्प्टी बोलेंगे। सिमिलरली नीचे भी आपको तो डस्टबिन की इमेज दे रखी है, एक डस्टबिन पूरा भरा हुआ है तो उसे फुल बोलेंगे और जो दूसरा डस्टबिन है वो पूरा खाली है तो उसे एम्प्टी बोलेंगे। जो चीज खाली है उसे एम्प्टी बोलेंगे और जो चीज पूरी भरी हुई है उसे हम फुल बोलेंगे। क्रॉस आउट द वन दैट आर एम्प्टी। आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दे रखी हैं, जो एम्प्टी इमेज है आपको उसके ऊपर क्रॉस बनाना है, मतलब जो खाली है आपको उस पिक्चर पे क्रॉस बनाना है। तो हम देखेंगे ये वाली इमेज एम्प्टी है तो हम इस पिक्चर के नीचे ऐसे क्रॉस बनाएंगे। आप भी सिमिलरली ये वाली एक्टिविटी बुक में कंप्लीट करेंगे। मोर और लेस, आपको यहाँ पे बुक में दो इमेजेस दे रखी हैं। एक ग्लास में जो जूस है वो ऊपर तक फुल है तो वो मोर जूस है, मतलब ज्यादा है, और दूसरे ग्लास में जो जूस है वो बहुत कम है तो उसे हम बोलेंगे लेस। जो चीज ज्यादा होती है उसे हम मोर बोलते हैं और जो चीज कम होती है तो उसे हम लेस बोलते हैं। सिमिलरली आप सेकेंड इमेज में देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं तो हम इसे बोलेंगे मोर बर्ड्स और यहाँ पे कम बर्ड्स हैं तो लेस बर्ड्स। टिक द वन दैट इज लेस इन हिज सेट। आपको दोनों पिक्चर में से उस पिक्चर के ऊपर राइट का टिक करना है जो लेस है, मतलब कम है। तो हम ये फ्लावर्स की इमेजेस देखेंगे, इसमें हमें ज्यादा फ्लावर्स दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और इस इमेज में हमें कम फ्लावर दिख रहे हैं ओनली 2, 1 एंड 2 तो हम इस वाली फ्लावर की इमेज पे राइट का टिक करेंगे। ये वाली एक्टिविटी आप खुद करेंगे बुक में। टिक राइट द वन दैट हैज मोर इन हिज सेट। आपको जो चीज ज्यादा है मोर अमाउंट में है आपको वो वाली पिक्चर पे राइट का टिक करना है। देखेंगे ये फ्रूट की बकेट में, ऊपर वाली फ्रूट की बकेट में फ्रूट कम है और नीचे वाली बकेट में फ्रूट मोर है तो हम नीचे वाली बकेट पे राइट का टिक करेंगे। सिमिलरली आप ये वाली एक्टिविटी और ये नीचे की दोनों एक्टिविटी अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे और मुझे उसका पिक सेंड करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।